गाइज एग्जाम्पल नंबर 52 को देखो यार, ये जो पुरानी बुक है ना, इसमें थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है। ये एग्जाम्पल 52 मैंने किसी की सेकंड हैंड बुक परचेस कर ली थी अमेजोन से, बस कट गया। क्या कर सकते हैं, चीटिंग कर लें, नई बुक मंगवा कर पुरानी बुक भेज दें, कर लेते हैं ऐसे ही। आपसे कह रहा है एग्जाम्पल 52 के अंदर, वॉट वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेराइंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट द रेट ऑफ 10 क्यूबिक पर मीटर। क्यूबिक मीटर पर मिनट है, क्यूबिक मीटर पर मिनट, ये ध्यान देना, क्यूबिक मीटर ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम है क्यूबिक मीटर, लेकिन पर मिनट का आ गया तो इसका मतलब ये रेट ऑफ फ्लो है। तो आपको सॉल्यूशन करना है और लिख देना है कि रेट ऑफ फ्लो आपको क्या दे रखा। आप लिखेंगे रेट ऑफ फ्लो, ये आपको दिया हुआ कितना है, ये है 10 मीटर क्यूब पर मिनट। पर मिनट है तो मिनट को आप सेकेंड में कन्वर्ट करने में 60 से डिवाइड कर दो तो ये मीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा, मतलब 1/6 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये आपके पास रेट ऑफ फ्लो आ गया। हमसे कह रहा है डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द वाटर एट द पॉइंट वेयर रेडियस ऑफ द पाइप इज 10 सेंटीमीटर। तो जहाँ पर रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रही है, ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, जहाँ पर रेडियस दे रही है, ये जहाँ पर रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रही है, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द वाटर बता दो, तो आपको वी बताना। तो आप कैसे करेंगे सॉल्व, सिंस वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, यही तो होता है रेट ऑफ फ्लो का। क्यू की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1/6। एरिया क्या होता है, ये होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितनी है, 10^-1 इसका स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी आपको बतानी है, बता देंगे। आप एक काम कीजिएगा, 1/6 ऐसे रहने तो ये होता है 22/7, इसका मतलब हो गया 1/100, और ये भी ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब देखो, 2 से काटोगे तो ये 11 बार कट जाएगा और ये 50 बार कट जाएगा। 7×5 होते हैं 35, 350 यहाँ जाएगा, क्योंकि डिवाइड में है इक्वल के दूसरे साइड में, वो भी डिवाइड में, 7×5 = 350, ठीक है। जब इक्वल के इस साइड में पहुंचेगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 1 की, तो ये हो जाएगा 350, और 11 जो है वो नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 66, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ वी, ठीक है भाई। अब 2 से काट लो, कैलकुलेशन ईजी और हो जाएगी, बस ख़त्म। तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा 350/66, ठीक है। एक काम करो, 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 175 हो गया ना, 300 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 150, और 50 का आधा करो 75 तो 175, और 66 का आधा करोगे तो ये हो जाएगा 33, ठीक है। अब 175 को 33 से डिवाइड कर दो, ठीक है भाई, कर लेते हैं। अच्छा देखा, 3 से कट जाएगा, 7 और 1 = 8, 8×5 = 13 नहीं होगा, तो आप देखें ये कितने चला जाएगा, 7, अब ये 6 = 18, 180 नहीं, 5 बार जाएगा, तो 5 बार चला जाएगा, 5×15 = 5 कैरी 1, 5×15 = 16 का 16, 16 घटाएंगे तो 10 का फर्क आ जाएगा, नहीं जाएगा लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0, 3 बार चला जाएगा, तो 5.3 आ गई वेलोसिटी, 5.3 बस इतने रहने दो। तो वेलोसिटी आपके पास आ चुकी है 5.3 मीटर पर सेकेंड। तो जहाँ पर रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी पाइप की, वहाँ पर वाटर की जो स्पीड होगी वो होगी 5.3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपको पता वेरिएबल है एरिया, पाइप जो है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का नहीं है, कहीं से मोटा कहीं से पतला। तो जहाँ पर रेडियस 10 सेंटीमीटर है वहाँ पर पानी जो है वो 5.3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 52 भी आपका फिनिश हो चुका है। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, वरना जितना हो सके वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, आप लोगों की समस्या का समाधान कंटिन्यू किया जाएगा।